हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्की विद्रोही। कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने लेह का दौरा किया और सैनिकों की हिम्मत अफजाई का काम किया। खुले शब्दों में चाइना को धमकी तक दे डाली। कुछ दिन पहले ही इंडियन गवर्नमेंट ने डिजिटल स्ट्राइक करके चाइना के अगेंस्ट एक कड़ा रुख अपनाया था। तो भाइयों, आज मैं आप लोगों को कुछ डेटा प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि अगर युद्ध हुआ तो क्या होगा और इस युद्ध का कारण क्या हो सकता है। ये टॉपिक काफी सेंसिटिव है, तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो में बताए जा रहे किसी भी तथ्य या व्यंग्य को भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ ना समझा जाए। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्लीज इस वीडियो के अंत में सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इंडिया चाइना LSE यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे आजकल टेंशन पूरे चरम पर है। हालत ऐसे बन रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि 58 साल बाद फिर से जंग ना हो जाए। हालांकि दोनों ही देश परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और ऐसी गलती दोनों में से कोई भी नहीं करना चाहेगा, लेकिन फिर भी अपने दुश्मनों को कम आंकना अकलमंदी नहीं कहलाती है। इसलिए जरूरी है दुश्मन की ताकत को समझ लिया जाए और हम मुकाबले की स्थिति में ड्रैगन की चालबाजियों का मुंह तोड़ जवाब दे सकें। यदि हम बात करें इंडियन आर्मी की, तो सैनिकों के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है, जिसके पास 14 लाख से ज़्यादा जवान, आधुनिक हथियारों से लैस और कुछ भी कर गुजरने का जज्बा। मगर मुकाबला है दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी से, करीब 21 लाख से ज़्यादा जवान, ये भी अत्याधुनिक हथियारों से लैस और कुछ भी कर गुजरने का जज्बा। दोस्तों, सच्चाई से मुंह मोड़ लेने से सच्चाई बदल नहीं जाती है, उसको जान लेना और फिर सामना करना बेहतर समझी जाती है। चाइना अपनी आर्मी के कसीदे पढ़े या ना पढ़े, लेकिन उसकी मीडिया ऐसे बयां करती है जैसे वो अजय है। वही दूसरी तरफ हमारे इंडियन मीडिया हमारे सैनिकों को नीचा दिखाने का एक मौका तक नहीं छोड़ती है। क्वांटिटी में चीनी सैनिक भले ही हमसे 20 हो, लेकिन क्वालिटी में वो हमसे 19 ही साबित होती है। एक बात आप लोगों को पता होगा कि 1962 के बाद कभी भी चाइनीज एंड इंडियन आर्मी आमने सामने नहीं हुए हैं। हालांकि उसके बाद कई बार दोनों की सेना के बीच मुठभेड़ हुई है, मगर जितनी बार भारत चीन से भिड़ा है, उतनी बार हमारी सेना ने चीनी सैनिकों को पीछे धकेला है। चाहे 1967 हो, 1975 हो या 80 के दशक के आखिरी सालों में। आपको बता दूं, यदि 62 की जंग में भी नेहरू जी ने सही नीति अपनाई होती तो चीन मुंह की खा सकता था। वहीं यदि हम बात करें दोनों देशों के एनुअल बजट की, तो 2019 में चाइना ने अपनी सेना पर $261 मिलियन खर्च किया है, जबकि इंडिया ने $71.1 मिलियन। अब हम बात करते हैं किसी सेना के पास कितना हथियार और कौन कितना ताकतवर। ग्लोबल फायर आर्म के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा 14 लाख सक्रिय सैनिक और 5 लाख रिजर्व सैनिक चाइना के पास है, जबकि भारत के 14 लाख सक्रिय सैनिक और देश में रिजर्व सैनिक की संख्या 21 लाख है। यानी यदि हम टोटल मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें तो भारत के पास 34 लाख जबकि चीन के पास सिर्फ 27 लाख। यदि टैंक की बात करें तो हमारे पास 4,292 टैंक हैं, जबकि चीन के पास वही 3400 टैंक हैं। वहीं पे यदि तोपों की बात करें तो भारत के पास 5,067 हैं, जबकि चीन के पास 9,726 तोपे हैं। तो दोस्तों, यदि हम ओवरऑल कंपैरिजन करें तो कहीं चाइना 20 है तो कहीं भारत। लेकिन इन सब के अलावा जो चीज़ चाइना को पीछे धकेल सकती है वो है जंग का तजुर्बा, क्योंकि चाइना ने आखिरी बार जो जंग लड़ी थी वो वियतनाम में 1979 में, यानी 40 साल पहले, जबकि भारत इस ड्यूरेशन में कई जंग लड़ चुका है। हमने 1999 में कारगिल जैसी मुश्किल युद्ध लड़ी थी, यानी 20 साल पहले। भाइयों, एक अनुमान के मुताबिक चाइना अपनी सेना पर हर साल करीब $261 बिलियन खर्च करता है। वो इन्हीं पैसे से हथियार खरीदता है, बनाता भी है,
मगर दोस्तों एक मजे की बात बताऊं, चाइना के इस बिलियन डॉलर डिफेंस बजट में भारत का एक अहम रोल है। जो पैसा चाइना अपनी सेना पे खर्च करता है, हमारे सैनिकों पे हमला करता है, जिनकी वजह से हमारे सैनिक शहीद होते हैं, उस ओवरऑल बजट का एक बड़ा सा हिस्सा चाइना भारत से ही कमाता है। अब आप पूछोगे कैसे? ये जितना भी सामान हम आयात करते हैं चाइना से, फार्मेसी इंडस्ट्री अपना मैक्सिमम रॉ मटेरियल चाइना से मंगवाती है। आप अपने आसपास यदि सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम देखोगे और उसका मैन्युफैक्चरर डिटेल्स चेक करोगे तो पता चलेगा 60-70% चाइना में ही निर्मित है, या कहीं ना कहीं चाइना फंड करता है और उससे फाइनेंशियल बेनिफिट चाइना को मिलता है। अभी हाल ही में इंडिया ने डिजिटल स्ट्राइक करते हुए 59 ऐप्स बैन किए हैं, जिसमें टिकटॉक, बिगो लाइव, सीन, क्लब फैक्ट्री, कैम स्कैनर, ब्यूटी ऐप शामिल है। लेकिन क्या सिर्फ ये एक्शन भर ले लेने से चाइना की आर्थिक स्थिति पे कुछ फर्क पड़ेगा? भाइयों, इन सबसे बड़ा सवाल, क्या दुश्मन देश को हानि पहुंचाने के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अपने यूथ को, जो कि इन सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे मिलियंस फॉलोअर्स बना चुके थे और कहीं ना कहीं रोजगार का एक नया जरिया ढूंढ निकाला था, उनके लिए सोचना भूल गए? क्या गवर्नमेंट के पास है कुछ प्लान भी? हाँ, मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं टिकटॉक जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पे इंडियन यूथ भटकते हुए दिख रही थी, सस्ती पॉपुलरिटी के चक्कर में फुहरता फैलता जा रहा था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो एक्चुअल में अपनी स्किल को आगे ले जा रहे थे, और यदि डेटा लीक का इतना ही रिस्क था, गवर्नमेंट को ये रिस्क पहले क्यों नहीं दिखा? अब सवाल उनसे जो बोलते थे, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। आखिर इतना कर गुजरने के बाद भी दुश्मन का नाम लेने से गुरेज क्यों है? क्या हमारी डिप्लोमेसी इतनी ढीली पड़ चुकी है कि सिर्फ हम इतिहास के पन्ने पलटते रहें और अपने पीठ थपथपाते रहें, जबकि चाइना घर के अंदर घुसाने को उतारू हो चुका है? दोस्तों, आखिर ये सब बवाल उत्पन्न क्यों हुआ, ये जानना भी बहुत जरूरी है। आखिर कैसे भारत और पाकिस्तान के बाद चाइना भी जम्मू कश्मीर का एक स्थायी स्टैक होल्डर बन गया? 1950 में एक कम्युनिस्ट लीडर माओ के अंदर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना फॉर्म हुई। उस वक्त पूरे देश में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे और भारत चीन को अपना एक नेचुरल दोस्त मान चुका था। हमारे तब के पीएम नेहरू जी भी इंडो चाइना रिलेशन को मजबूत करने में लगे हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोस्ती बिल्कुल एक तरफा थी। उसी वक्त चाइना ने अपने सटे एक आजाद देश तिब्बत पे हमला कर दिया और देखते ही देखते चाइना ने तिब्बत को एक राज्य में कन्वर्ट कर दिया। दोस्ती की वजह से इंडिया भी खामोश रह गया। तिब्बत जम्मू कश्मीर के लद्दाख से लेकर अरुणाचल को टच करता है, और अब चूंकि तिब्बत चाइना के कब्जे में था तो भारत की चिंता बॉर्डर को लेकर बढ़ने लगी। और फिर 1959 में चाइना जॉनसन लाइन और मैकमल लाइन पे दावा करने लगा। जॉनसन लाइन अक्साई चीन वाला इलाका था और मैकमल लाइन अरुणाचल और तिब्बत की डिमार्केशन लाइन थी। और दोस्तों उसी बीच भारत ने तिब्बत के 14वें दलाई लामा, जो कि अभी भी दलाई लामा है, उनके और उनके तकरीबन 1,00,000 तिब्बतन को एक साथ भारत में शरण दे दिया। बस यहीं से दोनों देश में टेंशन बिल्ट हो गई और चाइना ने 1962 में आखिरकार दो तरफा भारत पे हमला कर दिया। क्योंकि भारत इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, या फिर हमारी सरकार उस वक्त राइट डिसीजन लेने में असफल रही, और नतीजा ये हुआ कि चाइना की एक तरफा जीत हुई। अब चाइना जम्मू कश्मीर के अक्साई रीजन और अरुणाचल के तवंग रीजन को जीत चुका था, लेकिन वो अब और लड़ाई नहीं लड़ना चाहता था। उसने अक्साई को अपने पास रखते हुए अरुणाचल से अपने फोर्सेस को वापस बुला लिया। अक्साई की इकोनॉमिकल वैल्यू तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन दिल्ली से वो काफी नजदीक थी, जिसकी वजह से चाइना ने दूर का सोचते हुए उसे अपने पास रखा और सीज फायर घोषित कर दिया। भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से इंडियन गवर्नमेंट से सिर्फ एक निवेदन करना चाहूंगा, चाहे इसकी कोई भी कीमत हमें चुकानी पड़े, लेकिन भारत की संप्रभुता और अखंडता को बचाए रखने और चाइना को जड़ से उसकी औकात याद दिला देने के लिए इंडियन आर्मी को फ्री हैंड दे दिया जाए और अक्साई चीन को दोबारा से हासिल करें। हाँ, बीइंग अ सेंसिबल सिटीजन, हमारी तरफ से अश्योरेंस उन्हें मिलना चाहिए कि वी विल बी वोकल फॉर लोकल
और हम आत्मनिर्भर बन के दिखाएंगे। अब इन सारी बातों से हटके एक सवाल और राहत इंदौरी की कुछ लाइन याद आती है, साहब सरहदों पे तनाव है क्या, पता तो करो चुनाव है क्या। इसी सवाल के साथ धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए चैनल विक्की विद्रोही। और हाँ, यदि सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल को तो स्क्रीन पे दिख रहे इस लिंक पे क्लिक करके जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए ये कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलें।